अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। देखें लुक, चिकन लेग पीस और पालक अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। क्या लुक है माशाल्लाह। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि हमें लेग पीस और पालक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखें माशाल्लाह किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे तैयार की जाती है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज एक प्यारी सी व्लॉग के साथ, प्यारी सी रेसिपी के साथ, और चिकन लेग पीस और पालक फ्राई बनाने की रेसिपी विलन स्टाइल से शेयर करेंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक कप कुकिंग ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑयल हो गया गर्म, इसमें डालेंगे अभी चिकन। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पीस टमाटर और लहसुन अदरक ग्रीन चिल्ली, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी चिकन का कलर चेंज हो गया, अच्छी तरह फ्राई हो गया। और ये टमाटर लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना लिया था, इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5-7 मिनट कवर लगाने के बाद अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आके एक चम्मच नमक, दली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्च ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको एक बार मिक्स करेंगे। कवर लगा देंगे, 15-20 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। अभी चेक करेंगे 10-15 मिनट के बाद। देखें माशाल्लाह क्या लुक है। यहाँ पे आके पालक को हमने पेस्ट बना लिया, पालक का पहले बॉइल किया बाद में पेस्ट बनाया। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको फिर कवर लगा देंगे और 20 मिनट के लिए रख लेंगे।